अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहमद हसन। आप सहमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर वन पर बात करेंगे, एशिया कप 2023 के वेन्यू का फाइनली डिसीजन हो गया, कहाँ खेले जाने सुपर पावर मैचेस, उसके वजह से बात करेंगे और फाइनल मैच इंक्लूड करके वेन्यू को लेकर वही अपडेट आई है और कन्फर्म खबर है, फाइनल खबर है, उसके वजह से बात करेंगे। बात करेंगे श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच खेला गया, बड़ा थ्रिलर, उसके वजह से बात करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया कल के मैच के हवाले से, कदाफी स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का मैच है और उसके बाद से बात करेंगे। बात करेंगे इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप 2023 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, कौन थे वो 15 रुकनी खुशनसीब लड़के जिनको भारत में खेलने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप में। उसके बाद से बात करेंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए, टीम के लिए भाई गुड न्यूज आई हमको कैप्टन को लेकर केन विलियमसन के हवाले से, उसके वजह से भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर जितने भी दोस्त पहली बार तब आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश अफगानिस्तान और श्रीलंका का, बड़ा शानदार मुकाबला खेला गया। पहले श्रीलंका ने टॉस जीता, बैटिंग की 292 स्कोर किया श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें करुणा नत्रे ने 32 स्कोर किया, उनके साथ पातून मिसांका ने 41 रन स्कोर किया। सदिया समाया विक्रमा कप्तान, दासू शानाका जल्दी आउट हुए, धनंजय डिसिल्वा जल्दी आउट हुए, लेकिन हासा लंका और पातून मिसांका ने बड़ी शानदार बैटिंग की। पातून मिसांका ने 92 रन की इनिंग खेली और हासा लंका ने भी अच्छी इनिंग खेली, बिना लागे जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 33 रन आखिर में उन्होंने स्कोर किया, और ठीक शाना जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, और उसकी बदौलत श्रीलंका ने 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन 50 ओवर में बनाए। जब अफगानी बैटिंग का आगाज हुआ तो अफगानिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए सुपर फोर राउंड में क्वालिफाई करने के लिए 223 बॉल पर 292 स्कोर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 रन के मार्जिन से अफगानिस्तान की टीम ये मैच हार गई और सुपर फोर और एशिया कप 2023 से बाय हो गई। आज शानदार बैटिंग की मोहम्मद नबी जो कि उनके पुराने पापी हैं, उनके अलावा हशमतुल्ला शाहिदी जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये दिल टूट जाने वाला मोमेंट था जब राशिद खान ने अच्छी स्ट्राइक नहीं किया, आखिर में मुजीब रहमान फजल हक फारूक की आउट हुए, तो अफगानी जो आप कह रहे हैं अफगानी क्राउड था उनकी आंखों में लिटरली आंसू देखने को मिले हमें जो लाहौर में मौजूद थे और जो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। एक बहुत बड़ा मैच, लेकिन अफगानिस्तान की ये टोटली हार्ड वर्किंग है। इसके बाद जो डेटा आई है वो आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, जिसने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है बांग्लादेश के खिलाफ। कप्तान बाबर आजम, वाइस कप्तान शादाब खान अब प्लेइंग 11 पे आते हैं। फखर जमान इमामुल्लाह ओपन करेंगे, वन डाउन पे बाबर आजम, नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पर सलमान अली आगा, नंबर 6 पर इफ्तिखार अहमद, नंबर 7 पर शादाब खान, नंबर 8 पर फहीम अशरफ। मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ की एंट्री कराई गई है। शाहीन नसीम और हारिस ये पाकिस्तान की कल के मैच के लिए प्लेइंग 11 होगी। दूसरी जानब श्रीलंका को लगा बड़ा धचका, एशिया कप 2023 से उनके एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर आउट हो गए, नजमुल हसन शैटू जो कि बैक बॉर्न है बांग्लादेश की बैटिंग के, वो आउट हो गए अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ, और जो उनके रिमेनिंग मैचेज है एशिया कप के उससे वो बाय हो गए। दूसरी जानब लिटन दास जो कि बड़े शानदार विकेट कीपर ओपनर है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कैंप को, और वो कल बांग्लादेश की टीम के लिए अवेलेबल हैं और वो हो सकता है प्लेइंग 11 में भी आ जाएं। इसके बाद जो अपडेट आई है वो वही अपडेट है जनाब केन विलियमसन के हवाले से, वो फिट हो चुके हैं और वो 11 सितंबर को अब जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है वो अपना स्क्वाड अनाउंस करने जा रही है। 15 मेंबर्स या 18 मेंबर्स का जो 3 बैकअप प्लेयर होंगे रिजर्व होंगे, तो जो केन विलियमसन है वो डायरेक्ट 15 रुकी स्क्वाड में एंट्री मारे हैं, कैप्टन सी भी करेंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की, तो वही पॉजिटिव न्यूज है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए। इसके बाद जो अपडेट आई है वो वही खबर है जनाब, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फाइनली डिसीजन कर लिया, ACC ने और जय शाह साहब ने, कि जी जो अब रिमेनिंग मैचेज हैं वो ना हम्बनटोटा में होने हैं, ना वो उधर होने हैं पालीकेले में, ना दबूला में होने हैं। पहले जो एज पर स्केड्यूल मैचेस होने थे तो अब एज पर स्केड्यूल होंगे, पहले स्केड्यूल के मुताबिक होंगे और होंगे कोलंबो में। हैरत की बात है, वैसे वहाँ पे बारिश के ऑलरेडी चांसेस हैं, बारिश वहाँ हो सकती है मैचेस में, तो अब जय शाह साहब ने जो है वो अपनी गुड्डी फंसा दी, उन्होंने कहा कि नहीं
हम्बन टूटा नहीं जाऊंगा, अपना पाली के लिए नहीं जाऊंगा, दबूला नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, जाएंगे तो सिर्फ कलंबो जाएंगे, पूरी बारात लेकर जाएंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।